और यहाँ पे मुझे कराची को छोड़ने का दुख और पंजाब जाने की खुशी दोनों में। मौसम भी अच्छा था लेकिन यहाँ के मौसम की बात ये अलग है, क्योंकि यहाँ के बागात और यहाँ की ठंडी हवाएं दिल को बहुत सुकून देती हैं। तो हम फाइनली गांव पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आते ही साथ ही हमारी हालत बड़ी टाइट हो गई थी, इसलिए मैंने पहले नहीं बता पाया, तो अभी बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट व्लॉग है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर दबा दीजिएगा। मेरा नाम खलील अहमद है और मैं कराची का रहायशी हूँ, और मैं जा रहा हूँ रहीमयार खान तकरीबन एक महीने के लिए घूमने के लिए। तो आपको मैं वहाँ पे फुल व्यू दिखाऊंगा, फुल फन दूंगा, सही है? तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे मुझे कराची को छोड़ने का दुख और पंजाब जाने की खुशी दोनों में मैं मुबतला हो गया था यहाँ पे। और यहाँ पे मौसम भी बड़ा टाइट हो रहा था कराची का, तो बाहर का व्यू चेक करें आप। और यहाँ पर मैं अपने छोटे गंजे भाई से सीट मांग रहा था, तो वो खिड़की वाली सीट मुझे नहीं दे रहा था और वीडियो भी बनाने नहीं दे रहा था, अपने फ़न में ही लगा हुआ वो। और यहाँ पर मेरा छोटा भाई खांसते हुए, इसने मुझे खिड़की के पास नहीं बैठने दिया, और इसको दे आप जिसकी तबीयत को देखो। और यहाँ पे मेरे छोटे गंजे भाई की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसने अपनी जगह मुझे दे दी। तो यहाँ पे मैं बैठ के फुल व्यू का मज़ा ले रहा था और अपनी लाइफ के कुछ टाइम याद कर रहा था, टाइम से मुराद कुछ अच्छे बुरे वक्त याद कर रहा था अपने। तो इंसान को ऐसे मौसम और ऐसे व्यू में अपने अच्छे बुरे वक्त याद कर लेने चाहिए, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ नसीहत और कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। और फाइनली 15-16 घंटे के बाद मैं अपने गांव के रास्ते पहुंच गया। कराची का मौसम भी अच्छा था लेकिन यहाँ के मौसम की बात ये अलग है, क्योंकि यहाँ के बागात और यहाँ की ठंडी हवाएं दिल को बहुत सुकून देती हैं। कराची तो वैसे कराची है लेकिन पंजाब की बात ही अलग है। और यहाँ पे पंजाब की रोड पे मैं तवज्जो दी, तो मेरे को याद आया कि कराची की रोड बहुत ही मुख्तलिफ है। हाँ, ऐसा लगता है इंसान बाइक कार पे सफ़र नहीं कर रहा, जैसे ऊंट पे सफ़र कर रहा हो। तो हम फाइनली गांव पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आते ही साथ ही हमारी हालत बड़ी टाइट हो गई थी, इसलिए मैंने पहले नहीं बता पाया, तो अभी बता रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से पड़ा, बस का सफ़र था तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो आगे जो भी होगा वो भी दिखाते हैं आपको, सही है? चलते हैं। और मैं अपने कज़न भाइयों के साथ व्लॉग का एंड करते हुए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो,